अस्सलाम वालेकुम। टुडे टॉपिक इज थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड क्या होता है? एक स्मॉल ऑर्गन है दैट वाज लोकेटेड इन फ्रंट ऑफ द नेक रैप अराउंड द विंड पाइप दैट इज ट्रैकिया। ट्रैकिया मीन आप सांस की नाली जिसे कहते हैं, वहाँ पर ये आपका छोटा सा प्यारा सा जिसे कहें एक ऑर्गन है, एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है जो आपकी पूरी बॉडी को मेंटेन करता है, उसके हॉर्मोन्स को। थायराइड ग्लैंड की जो जनवरी हमारा चल रहा है, ये एक थायराइड डिजीज़ के हिसाब से अवेयरनेस प्रोग्राम भी है, तो आप अपनी नेक को चेक करेंगे थायराइड ग्लैंड की कोई प्रॉब्लम तो नहीं, कोई डिजीज़ तो नहीं। तो आज हम आपको थायराइड बताएंगे, थायराइड में होता क्या। थायराइड ग्लैंड एक स्मॉल ऑर्गन है जो बटरफ्लाई शेप का होता है, बिल्कुल आपकी जो ट्रैकिया है उसके अराउंड होता है, रैप्ड हुआ होता है, ईजिली लोकेट कर सकते हैं। बटरफ्लाई शेप में होता है जिसके टू वाइड विंग्स होते हैं जो एक्सटेंड होते हैं द साइड ऑफ दी थ्रॉट पे आपके, और थ्रॉट मतलब आपके इन फ्रंट ऑफ द नेक मतलब वहाँ पर होते हैं। इसकी थायराइड ग्लैंड अपना काम अगर प्रॉपरली ना करें तो ये एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आपकी बॉडी पर इम्पोज करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, अगर आपका थायराइड ग्लैंड बहुत एक्सेसिव अमाउंट में थायराइड हार्मोन प्रोड्यूस कर रहा है, जिसके जो हमें एक जिसकी वजह से एक प्रॉब्लम होती है जिसे हम बोलते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपरथायरॉयडिज्म क्या होता है कि ओवर एक्टिव थायराइड जिसको हम कहते हैं, उसकी वजह से हाइपरथायरॉयडिज्म हो जाता है। इसमें क्या होता है कि आपकी बॉडी जो है ना बहुत ज़्यादा अमाउंट में थायराइड हार्मोन्स को प्रोड्यूस करती है, जैसे थायरोक्सिन। थायरोक्सिन की वजह से क्या होता है कि हाइपरथायरॉयडिज्म होता है, जो बहुत ज़्यादा बॉडी एक्सेलरेट कर रही होती है आपके मतलब मेटाबॉलिज्म को, जिसकी वजह से क्या होता है कि अनइंटेंशनली ना वेट लॉस हो जाता है और रैपिड और इररेगुलर हार्ट बीट होती है। बहुत सारी ट्रीटमेंट हैं जो अवेलेबल हैं हाइपरथायरॉयडिज्म की, जो डॉक्टर यूज़ करते हैं। इसमें से एक एंटी थायरॉयड मेडिकेशन है, रेडियो एक्टिव आयोडाइन है जो आप स्लो करते हैं प्रोडक्शन को थायरॉयड की हार्मोन्स की उसको, और हाइपरथायरॉयडिज्म की ट्रीटमेंट में हम सर्जरी भी इन्वॉल्व करते हैं, जो रिमूव भी कर सकते हैं अगर आपको ज़रूरत है तो। कॉजेज़ आपको पता चल गए हैं कि एक्सेसिव अमाउंट में थायरोक्सिन जो प्रोड्यूस करती है हमारी बॉडी, उसकी वजह से हाइपरथायरॉयडिज्म होता है। सिम्टम्स में हमारे यही है कि अनइंटेंशनल वेट लॉस हो जाता है, एपिटाइट हालांकि आप प्रॉपर ले भी रहे होते हैं तब भी होता है, रैपिड हार्ट बीट होती है जिसे हम ट्रैकिकार्डिया भी कह सकते हैं, जिसमें कॉमनली जो है ना मोर देन 100 बीट्स पर मिनट होती है, इररेगुलर हार्ट बीट होती है जिसे हम एरिथमिया बोल सकते हैं, पाउंडिंग ऑफ योर हार्ट मीन पैल्पिटेशन होने लग जाती है, इंक्रीज एपिटाइट हो जाती है, नर्वसनेस हो जाती है, एनजाइटी, इरिटेबिलिटी, ट्रेमर, यूजुअली इन फाइन ट्रेमलिंग इन योर हैंड्स एंड फिंगर्स, स्वेटिंग, चेंजेस इन मैचुरेशन पैटर्न, इंक्रीज सेंसिटिविटी टू हीट, चेंजेस इन बाउल पैटर्न। इसमें एक चीज़ है गोइटर। गोइटर मीन आपके पूरी स्वेलिंग हो जाती है नेक पे, आपके जो नज़र आता है थायराइड ग्लैंड वहाँ पे स्वेलिंग होने लग जाती है, जो बहुत कॉमन आपको नज़र आता है, सिम्टम्स है और इसका साइन भी है। और स्किन में थिनिंग होने लग जाती है, स्लीपिंग में प्रॉब्लम होने जाती है, फटीग हो जाती है, मसल वीकनेस होने लग जाती है। गोइटर जिसे हम ग्रेव डिजीज भी कह सकते हैं, आंखें स्वेल होने लग जाती हैं, ड्राइनेस हो जाती है, रेडनेस नज़र आती थी, एक्सेसिव टेयरिंग हो जाती है, डिस्कम्फर्ट होता है बहुत दोनों आँखों में, सेंसिटिविटी होती है लाइट की वजह से, ब्लरी विजन भी हो जाता है, इन्फ्लेमेशन भी हो सकती है, तो जिसे हम ऑटोइम्यून डिजीज़ भी बोल सकते हैं। गोइटर का अच्छा यही है कि ड्रग्स हम क्या यूज़ करें कि हमें ये ना हो हाइपरथायरॉयडिज्म। लेडीज़ में बहुत ज़्यादा होते हैं, रिस्क फैक्टर्स में ये आता है, फीमेल सेक्स को ज़्यादा प्रॉब्लम होती है इनकी, तो ज़्यादातर लड़कियों में एपेटाइट तो सही चल रहा होता है लेकिन क्या होता है कि उनकी जो मैचुरेशन साइकिल है वो जो है ना इरेगुलर हो जाती है। थायराइड की वही है, हम फिज़िकल एग्जामिनेशन भी कर सकते हैं, उसकी क्या कहते हैं एक्सरसाइज भी देख सकते हैं और ब्लड टेस्ट करवा सकते हैं। ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन में यही है कि आप नमक का इस्तेमाल करें, आयोडाइन डाइज नमक लें, सॉल्ट का इस्तेमाल करें, सैल्मन लें, ब्रोकली वगैरह मतलब वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करें जो आपको इससे प्रिवेंट कर सकती हैं। ज़्यादातर डॉक्टर से ही कंसर्न करें, खुद से कुछ भी ना करें। अगर आपको ये सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं अपनी बॉडी में तो प्लीज़ कंसर्न योर डॉक्टर्स एज सून एज पॉसिबल। जैसे पिक्चर में शो भी हो रहा है, एक सिर्फ अवेयरनेस प्रोग्राम है ताकि आपको पता चले आपकी बॉडी में स्वेलिंग तो नहीं है, नेक पर बहुत ज़्यादा स्वेलिंग होती है तो ट्रीटमेंट का ख्याल रखें, हमेशा डॉक्टर से कंसर्न करें। होपफुली पसंद आएगी। थैंक यू सो मच। साइड में सब कुछ शो हो रहा है, आप इस्तेमाल करें, देखें और डॉक्टर से कंसल्ट करें क्या है प्रॉब्लम। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें।